और भोपाल से बड़ी खबर बता दें कि आज से भोपाल दौरे पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1.5 बजे बीडी शर्मा सुहास भगत से मुलाकात करेंगे। 3.30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात करेंगे और शाम 7 बजे समिधा सिंधिया जाएंगे। समिधा में दीपक रसपुते से भी मुलाकात करेंगे और रात 8 बजे मंत्री गोपाल भार्गव के घर पूजन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जो मुलाकातों का दौर बीजेपी में चल रहा है, उसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल आ रहे हैं, कैसे देखें इन मुलाकातों को? नेहा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि लंबे समय से लगभग ये कोविड का जो संकट चल रहा था उस दौरान मध्य प्रदेश के परिदृश्य में नहीं थे और समय समय पर ऐसी खबरें आती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपवाद हो गए हैं। ये कोशिश है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल है मध्य प्रदेश में और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सरकार में बहुत अहम हिस्सा है, ये एहसास कराने की। एक थोड़ा सा बदलाव आया है कि एक तो वो संघ कार्यालय जाएंगे, ये एक बड़ा बदलाव है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो स्वीकार नहीं कर रहे थे उनको, कहीं ना कहीं आप इंटरनल ऐसी खबरें आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसा अभी विधायक ने कहा था, जैसा विधायक ने आरोप लगाया था इनके ऊपर, वो आरोप को देखते हुए इन्होंने संघ कार्यालय जाने के साथ साथ इस बार एक और स्ट्रेटेजी बदली है। अभी तक जब भी आते थे तो वो गोविंद सिंह जी के यहाँ जाते थे, तुलसी सिलावट जी के यहाँ जाते थे और जो उनके समर्थक विधायक मंत्री थे उनके घरों में लंच डिनर होता था, लेकिन इस बार उन्होंने सागर क्षेत्र के ही भूपेंद्र सिंह, जो शिवराज जी के बहुत अनन्य मित्र हैं और बहुत कट्टर समर्थक हैं, उनके घर जाकर उनके साथ बैठक करना है और उसके बाद शाम को गोपाल भार्गव जी के साथ जो डिनर है, ये बताता है कि सागर क्षेत्र में जो ये दोनों दिग्गज नेता सागर के हैं तो सागर क्षेत्र में बैलेंस करने के हिसाब से गोविंद सिंह जी हो सकता है साथ में रहे, इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सारे मंत्री है, हो सकता है ये निर्देश हो कि वो साथ में ना रहे। तो ये बताने की कोशिश है कि अब वो भाजपा के हो गए हैं और भाजपा के जो पूर्व मंत्री लोग हैं, वर्तमान मंत्री लोग हैं, इनके साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कवायद के बाद मध्य प्रदेश में इन सब लोगों से मिलने जुलने के बाद शायद मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है और यही वजह है कि जो विरोध में आवाजें उठ रही थी, बुंदेलखंड के एक विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ बयान दिया था बाद में, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं गलतफहमी में बयान दे दिया, क्षमा मांग ली उन्होंने, लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस करने के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जी भी ये चाहते हैं कि ऐसा मैसेज जाए। इसके पहले वो आते थे सिर्फ शिवराज जी से मीटिंग करते थे, तो इस बार भाजपा कार्यालय जाना, संघ प्रमुख से मिलना और संघ के पदाधिकारियों से मिलना और उसके साथ जो उनकी योजना बनी है उसको देख के नेहा जी ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी का बताने के लिए अब वो भाजपा के हैं और भाजपा में सर्व स्वीकार है ये कवायद की जा रही है और जिस तरीके से उनकी बैठक प्लान की गई है, जिस तरीके से उनका योजना बनाई गई है उसमें एक भी सिंधिया समर्थक को बिल्कुल अलग कर दिया गया है कि ये एहसास हो कि नहीं वो भाजपा के जो भी मंत्री हैं, चाहे संगठन में सुहास भगत जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हों या भूपेंद्र सिंह जी हों, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, उसके बाद गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो इन लोगों के साथ मीटिंग करना, इन लोगों के साथ डिस्कशन करना ये एहसास कराने के लिए कि हम अब भाजपा के हैं, किसी गुट विशेष के नहीं है। जी शिशिर जी, लेकिन जिस तरीके से मुलाकातों का दौर चल रहा है, सिंधिया का भोपाल आगमन भी है और इसके बाद सिर्फ भोपाल ही नहीं, अगर हम दिल्ली तक देखें तो दिल्ली तक ही मेल मुलाकात चल रही है, क्या सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है या फिर इस मुलाकातों के क्या मायने, क्योंकि कई तरीके की चर्चाएं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी हो रही है, कई तरीके की बातें चल रही है क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, क्या यही एक तरीका है? जी बिल्कुल नेहा जी, आपने ये जो जिस तरीके से हवा चल रही है, जिस तरीके से र्यूमर चल रही है और मीटिंगों का दौर, ये अलग बात है कि भाजपा के नेता ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कोविड के दौरान मुलाकात नहीं हो पाई थी और ये अच्छी बात है कि सबसे मिलना जुलना चाहिए, ये कहना कोविड के दौरान आम जनता से दूर रह रहे थे ये लोग, तो आपस में मिलते जुलते रहते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है इसलिए मिल रहे हैं,
जनता की चिंता इन्होंने पूरे कोविड के दौरान जनता त्राही त्राही करती रही, आज भी जनता से मिलने नहीं जा रहे हैं जी। आप क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर तो मैं ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन हमारे दर्शक ये जरूर जान लें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। और ऐसी स्थिति एक क्योंकि एक ने आरोप लगाया था कि कोविड में हुए नुकसान के कारण आम आदमी का जो नुकसान हुआ है, बहुत सारी मौतें हुई हैं और व्यवस्था तंत्र पूरा फेल हो गया था, इसमें किसी पे आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये महामारी थी और महामारी में जो संभव हो सकता था दो लोग मैदान में नजर आ रहे थे, एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी उनके बेटे को जब कोविड हुआ था तो कुछ दिन के लिए वो घर से ही काम कर रहे थे, और एक व्यक्ति बहुत खुल के सामने आया था, वो था विश्वास सारंग। वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के बाद विश्वास सारंग लगातार कोविड के दौरान, उनकी पत्नी उनका बेटा कोविड का वो था, लेकिन उसके बाद भी वो फील्ड में लगातार एक्टिव रहे, सक्रिय बने रहे। इसके अलावा कोई मंत्री जिलों में, हम चूंकि बहुत सारी खबरें आती है, एक्टिव नहीं रहा था, तो अचानक इन नेताओं का, तब प्रभात झा कहाँ थे, तब कैलाश विजयवर्गीय कहाँ थे, तब ये बड़े बड़े नेता कहाँ गए थे, प्रहलाद पटेल जी कोविड के दौरान कभी नहीं आए, कोविड के दौरान आके उन्होंने कभी हालचाल नहीं जाना। तो ये परिस्थितियां बताती हैं कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, और मुझे लगता है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और मध्य प्रदेश में भी कुछ परिवर्तन, क्योंकि निगम मंडल जो असंतोष चल रहा है नेहा जी, उसके कारण ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे माननीय विधायकों को, बहुत सारे माननीय नेताओं को, उनके समर्थकों को निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है। और जिस तरीके का रिवर चल रहा था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक ओएसडी की नियुक्ति हुई है, अभी वो ओएसडी की नियुक्ति करके उन्होंने बताया है कि कोई बदलाव की कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है, सिर्फ हम ओएसडी की नियुक्ति कर रहे हैं। और अभी देखिएगा कि निगम मंडल अध्यक्षों के लिए आज जो बैठक हो रही है उसमें बहुत सारे हो सकता है निर्णय हो सके, तो आयोगों में खाली पड़ा है, निगम मंडल खाली पड़े हैं, ये सारी व्यवस्थाएं एक बार ये अगर डिसाइड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक मैसेज जाएगा कि नहीं नहीं शिवराज जी के नेतृत्व में ही, और भाजपा में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखिए उत्तराखंड में अचानक मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, कोई स्थिति नहीं थी वहां पे, कोई नहीं कह सकता था कि वहां पे वो चेंज होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन बदल दिया जाता है। तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि कब किसको चेंज करना है, हालांकि अभी जो र्यूमर चल रही है उसके मायने बहुत कुछ है नेहा जी। बिल्कुल, जो अफवाहें उड़ रही है उसके मायने बहुत सारे हैं और लगाए भी जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा है और ये तमाम जो बीजेपी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, उनसे भी मुलाकात करेंगे, घर भी जाएंगे और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे।